पंजाब में हिंदू नेता की हत्या, पुलिस की मौजूदगी में दो गोलियां मारी, आरोपी गिरफ्तार, खालिस्तानी साजिश की आशंका। बैतूल के भैंसदेही में 11 लोगों की मौत पर पीएमओ और राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। सीएम शिवराज ने भी हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। गुजरात के इसुदान गढ़वी होंगे आपके सीएम कैंडिडेट्स, केजरीवाल ने किया ऐलान, आपके नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गढ़वी। हिमाचल के रण में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश कांगड़ा में प्रियंका गांधी के साथ की चुनावी सभा, कहा सरकार को पलटने का आया वक्त, रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले वचन पत्र लाने की तैयारी में कांग्रेस, कमलनाथ ने वचन पत्र कमेटी की ली बैठक, बोले मैनिफेस्टो में हो आम जनता की झलक। कांग्रेस प्रवक्ता के लंपट वाले बयान पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बोले सुशील आनंद ने जय चंद्राकर पर की अभद्र टिप्पणी, कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी का कोई भी नेता उनके साथ डिबेट में नहीं बैठेगा। और धार के पीथमपुर को मिली करोड़ों की सौगात, सीएम ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण, शहर की सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति।